अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। आज आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया हूँ। इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर की स्क्रीन कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा कि आप अपने जो कंप्यूटर है लैपटॉप की स्क्रीन कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल करेंगे और आप इसकी स्क्रीन रिकॉर्ड करके वीडियो कैसे एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, पूरा डिटेल्स इस वीडियो में शेयर करूँगा। देखें, स्क्रीन रिकॉर्ड करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप गूगल पर लिखें लिस्ट ऑफ स्क्रीन और रिकॉर्डर। ठीक है, तो बहुत सारे हैं, आपके सामने आ जाएगा। ये देखें, कैमटेसिया है, ठीक है, स्क्रीन कॉस्ट है, ठीक है, बेंजीकैम है, ठीक है, शेयर एक्स है, डिवेट वर्डियो, ठीक है, ये सारे बहुत सारे स्क्रीन रिकॉर्डर्स हैं। ठीक है, और जो मैं आपको प्रेफर करने जा रहा हूँ, रिकमेंड करने जा रहा हूँ, वो है एक्टिव प्रेजेंटर। तो आप जस्ट गूगल पर लिखें सबसे पहले एक्टिव प्रेजेंटर। ठीक है व्यूअर्स, अगर आपके लैपटॉप में नेट नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, आप अपने मोबाइल की गूगल क्रोम ऐप को ओपन करके गूगल क्रोम से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करें एक्टिव प्रेजेंटर, इसके बाद अपने मोबाइल से लैपटॉप में शेयर करें और लैपटॉप इंस्टॉल करें। ठीक है, तो आप जस्ट लिखें गूगल पे एक्टिव प्रेजेंटर डाउनलोड। ठीक है, ये लिखने के बाद आप सर्च करें। सर्च करने के बाद देखें सबसे जो फर्स्ट पे नजर आ रहा है जो लिंक, इस पर आपने क्लिक करना है। ठीक है, मैं इधर क्लिक करता हूँ। अब देखें व्यूअर्स, आपने एक्टिव प्रेजेंटर को डाउनलोड करना है तो आप इधर आ जाइए, इसके बाद डाउनलोड पर क्लिक करें। ठीक है, एक्टिव प्रेजेंटर है, ठीक है, विंडोज 11, 10 ये सबके लिए सूटेबल है। ठीक है, तो 64 बिट होनी चाहिए, आपको पता है। ठीक है, अगर आपकी विंडोज 32 बिट से तो आप 32 बिट डाउनलोड करें, अगर आपकी विंडोज 64 बिट वाला है तो आप 64 बिट डाउनलोड करें। ठीक है, अब आप जस्ट डाउनलोड पर क्लिक करें। व्यूअर्स, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है तो मैं आपको आप इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। ठीक है, तो आप डाउनलोड करने के बाद आपके सामने इस तरह से एक ऐप आ जाएगा। ठीक है, इस ऐप पे आपने डबल क्लिक करना है। ठीक है, मैं इधर क्लिक करता हूँ, तब हमारा एक्टिव प्रेजेंटर हम अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकेंगे। आप यस पे क्लिक करें, इसके बाद नेक्स्ट करें। ठीक है, दोबारा नेक्स्ट करें, इसके बाद इंस्टॉल करें। ठीक है, अब ये देखिए इंस्टॉल हो रहा है। अब देखिए व्यूअर्स, इंस्टॉल हो गया है। आपको इधर दो एक्टिव प्रेजेंटर नजर आ रहे हैं। ठीक है, एक एक्टिव प्रेजेंटर और इधर एक शॉर्टकट नजर आ रहा है। ठीक है, ये हमारा सेटअप है। ठीक है, इसके थ्रू आप इंस्टॉल कर सकेंगे और ये हमारा जो शॉर्टकट बन गया है। ठीक है, स्क्रीन शॉर्टकट बन गए हैं, इसके थ्रू आप अपने एक्टिव प्रेजेंटर को ओपन कर सकेंगे। ठीक है, ये इंस्टॉल करने के लिए है और ये ओपन करने के लिए। ठीक है, इसके बाद देखें लंच एक्टिव प्रेजेंटर, इधर सही का ऑप्शन ऑलरेडी है, आप इसको अनचेक भी कर सकते हैं, चेक करके रखें तो ये ऑटोमेटिकल रन हो जाएगा। ठीक है, मैं फिनिश करता हूं तब ऑटोमेटिकल एक्टिव प्रेजेंटर रन हो जाएगा। अब ये देखें रन हो गया है। अब आपने सेटिंग को चेंजेस बिल्कुल नहीं करना है, जस्ट आप ब्लैंक पे क्लिक कर लें। ठीक है, मैं ब्लैंक पे क्लिक करता हूँ। ये तकरीबन हमारे पावर पॉइंट से रिलेटेड है, देखें पावर पॉइंट की तरह ही है। ठीक है, इसमें स्लाइड्स वगैरह हैं, ठीक है, टेम्पलेट्स हैं। अब आपने अपने स्क्रीन को रिकॉर्ड करना है तो आपको इधर नजर आ रिकॉर्ड स्क्रीन। ठीक है, इधर क्लिक करें, करने के बाद रिकॉर्ड वीडियो कर लें। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। ठीक, मैं जो स्टेप कर रहा हूँ आप इसी को फॉलो करते हैं। ठीक है, अब रिकॉर्ड वीडियो पे क्लिक करें। रिकॉर्ड वीडियो जो भी आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये देखें एक विंडो ओपन हुआ है। ठीक है, ये देखें फर्स्ट ऑफ ऑल फुल स्क्रीन, अगर आप पूरा स्क्रीन को करना चाहें तो फुल स्क्रीन करें। ठीक है, कस अपने स्क्रीन के कुछ हिस्से को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, यूं करेंगे तो क्या होगा, आपके स्क्रीन के ये हिस्सा रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, मैं फुल स्क्रीन करता हूं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा नीचे करता हूं और इधर मैं फुल स्क्रीन करता हूँ। ठीक है, फुल स्क्रीन किया मैंने। इसके बाद है ऑडियो एंड वेबकैम। ठीक है, आप वेबकैम रिकॉर्ड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अगर आप अपने मोबाइल के कैमरे से अपना ऑडियो भी निकालना चाहते हैं तब आप इसको ऑन रखेंगे। ठीक है, या लैपटॉप की जो कैमरा है वो ऑन रखना चाहें तो आप ऑन करेंगे। ठीक है, मैं ऑन करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, वेबकैम देखें मैंने ऑन किया। ठीक है, तो हमारा ऑडियो भी आ रहे हैं। ठीक है, प्रीव्यू आपको इधर नजर आ रहे हैं। तो वेबकैम ऑन रखना चाहें तो आप ऑन रखें, नहीं तो आप ऑफ रखें। ठीक है, कोई मसला नहीं है, मैं वेबकैम को ऑफ करता हूं। इसके बाद हमारा ऑडियो है। ठीक है, हमारा वॉइस रिकॉर्ड करना चाहें तो इधर से ऑन रखेंगे, नहीं तो ऑफ रखेंगे, लेकिन ऑन ही रखेंगे। ठीक है, प्रेफर करेंगे इसको ऑन ही रखना, अगर ऑफ रखेंगे तो इसका रिकॉर्ड करने का फायदा नहीं हुआ। ठीक है, आप इसको ऑन रखेंगे। इसके बाद ये वॉल्यूम इसको छोड़ें। ठीक है, इसके बाद आप रिकॉर्ड, जो ही आप रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे आपका जो स्क्रीन है वो रिकॉर्ड शुरू होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जो ही आप रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे आपका जो स्क्रीन है वो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मैं इधर क्लिक करता हूँ, कोई मसला नहीं, आप इसको ओके कर लें। इसके बाद देखें कंट्रोल प्लस एंड स्टॉप करने के लिए। ठीक है, ये शॉर्टकट की है। अब देखें व्यूअर्स, हमारा स्क्रीन रिकॉर्ड होना शुरू हो गया है। ठीक है, मैं जो भी एक्टिविटी करूँ ये सारे रिकॉर्ड हो रहे हैं। ठीक है, मैं जिस पीसी को ओपन करता हूँ तो ये जो एक्टिविटी है वो रिकॉर्ड हो रहे हैं। ठीक है, हमारे जो एक्टिव प्रेजेंटर है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, बाद में आपको वीडियो के फॉर्म में मिल जाएगा। मैं टाइपिंग मास्टर को ओपन करता हूँ। ठीक है,
ये देखें ये भी रिकॉर्ड्स हो रहा है, ठीक है। तो इसको मैं क्लोज करता हूँ। तो इस तरह से आप अपने स्क्रीन को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। मैंने जस्ट आपको डेमो दिखाया, ठीक है। अब मैं स्टॉप करने जा रहा हूँ, तो स्टॉप करने के लिए कंट्रोल प्लस एंड है, ठीक है, यही शॉर्टकट की इस्तेमाल करें, या आप इधर आ जाएं, इधर आने के बाद आप एक्टिव प्रिजनर पे क्लिक करें, ठीक है। इसके बाद आप इधर से स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकल सेव हो जाएगा। मैं इधर क्लिक करता हूँ, ये देखें प्रिपेयरिंग कैप्चर स्लाइड्स, ठीक है। इसके बाद आप इस पर ओके कर लें। अब देखें व्यूअर्स, हमारे वीडियो इधर आ गए हैं, ठीक है। ये इसको मैं जरा प्ले करता हूँ आपके सामने शॉर्टकट की। अब देखिए हमारा स्क्रीन शुरू हो गया है व्यूअर्स, ठीक है। अब मैं जिस पीसी पे ओपन करता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए व्यूअर्स, इस तरह से आप वीडियो का रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद आपने इस वीडियो को एक्सपोर्ट भी करना है, तो आप जस्ट एक्सपोर्ट पे क्लिक कर लें, ठीक है। व्यू के साथ आपको नजर एक्सपोर्ट इधर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद वीडियो पे क्लिक करें, ठीक है। ये सारी सेटिंग आप बिल्कुल एज इट इज रखें, ठीक है। जस्ट आप ओके पे क्लिक करें, इसके बाद यस कर लें, ठीक है। अब देखें प्लीज वेट वाइल प्रोसेसिंग, हमारे वीडियो रिकॉर्ड, हमारे वीडियो एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है। अगर आपकी वीडियो लॉन्ग है तो ठीक है, ये वक्त ज्यादा लेगा, और आपकी वीडियो शॉर्ट है तो शॉर्ट वक्त लेगा, ठीक है। अभी देखें हमारे वीडियो सिंपल वीडियो है तो ये स्पीड हो रहा है, ठीक है। अब देखें व्यूअर्स, ठीक है, हमारा वीडियो एक्सपोर्ट हो गया है। आप डायरेक्ट प्ले करना चाहते हो यस करें, नहीं तो आप ओपन फोल्डर कर लें, ठीक है। तो फोल्डर ओपन हो जाएगा, ये देखें वीडियो हमारा बन गया है, ठीक है। इधर आ गई, इसको मैं प्ले करके दिखाता हूँ। ठीक है, इस तरह से हमारा वीडियो आपके सामने आपका अपने डेमो दिखाया, आपने सेव करने जा रहा। तो इस तरह से ठीक है, आप अपने स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब देखिए व्यूअर्स, आपने अभी क्या किया है, जस्ट वीडियो को एक्सपोर्ट किया है, ठीक है। एक्टिव प्रिंटर के फाइल को भी सेव करना है, ठीक है। तो इसके लिए आप कंट्रोल प्लस एस कर लें, इसके बाद डेस्कटॉप सेलेक्ट किया, ठीक है। इधर आप जस्ट नाम लिख, इसके बाद जस्ट आप इधर लिखें फास्ट वीडियो, ठीक है। मैं सेव करता हूँ। अब क्या है व्यूअर्स, हमारा वीडियो एक्सपोर्ट हो गया और हमारा एक्टिव प्रिंटर की जो फाइल है वो भी सेव हो गया, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें फाइल, हमारा फर्स्ट वीडियो की फाइल इधर आ गई, ये सोर्स फाइल है, ठीक है। जस्ट अगर आप इसको ओपन करेंगे तो एक्टिव प्रेजेंटर में ही ओपन होगा, इसके बाद आप इसमें एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो हमारा वीडियो भी बन गया है, ठीक है व्यूअर्स। इसके अलावा आपने इस फाइल को भी सेव किया, तो इस तरह से आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच वीडियो के देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अभी तक आपने मेरे चैनल ताज क्रिएटिव को सब्सक्राइब नहीं कर लिया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसके मुफीद वीडियोस आपको मिलते। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।